बैक्टीरिया के टॉपिक को हम पढ़े थे और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम बैक्टीरिया को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को, उसकी रिप्रोडक्शन को, या फिर हम उसको किस तरह से किल कर सकते हैं। और डिफरेंट मेथड्स हमने देखे थे, जिसमें हमने देखा था फिजिकल मेथड्स को, केमिकल मेथड्स को और कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स को देखा था, जिनको यूज़ करके हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या उसकी ग्रोथ को या रिप्रोडक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे और एक और टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, जो कि है एंटीबायोटिक्स रिलेटेड। जब हमने कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स की बात की थी, तो वहाँ पे हमने कहा था कि कीमोथेरेपिटिक एजेंट्स जो हैं, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे नेचुरल दिफाई निज़ाम के साथ मिल के काम करते हैं, और या तो वो उसकी बैक्टीरिया की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो उसको रोक लेते हैं, इनहिबिट ग्रोथ, या फिर वो उनको टोटली किल ही कर देते हैं, ठीक है, इमीजिएटली उसको किल कर देते हैं। तो ये तो हमने केमिकल थेरेपेटिक एजेंट्स के अंदर देख लिया था। जब हमने इन एजेंट्स की बात की थी, इन केमिकल सब्सटेंसेस की बात की थी, तो हमने कहा था कि एंटीबायोटिक्स भी इसकी एक एग्जांपल है। एंटीबायोटिक्स को भी हम यूज़ करते हैं, और वो भी हमारे नेचुरल दिफाई निज़ाम, जो हमारा कुदरती दिफाई निज़ाम है बॉडी के अंदर, उसके साथ मिल के काम करती हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स को बेसिकली हम आज के टॉपिक के अंदर देखेंगे। एंटीबायोटिक्स ये वर्ड जो है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, और एंटी और बायोटिक्स दो वर्ड्स मिलके बना है। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट, और बायोटिक का जो वर्ड है वो बायो से निकला है, जिसका मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो लाइफ के अगेंस्ट, यानी बॉडी के अंदर जितने भी जिंदा चीज़ें होंगी उनके अगेंस्ट ये केमिकल्स एक्ट करेंगे और फिर उनको किल कर देंगे। इन्फेक्शन के केसेस में, या जब भी बैक्टीरियल डिजीज़ हमें हो जाती हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली जो डिजीज़ होती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम जो दवाइयाँ लेते हैं उनके अंदर एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स बनती किस तरह से, इनकी प्रोडक्शन किस तरह से होती है? मोस्टली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लिविंग इनका सोर्स होता है। लिविंग सोर्स किस तरह से होता है? ये सिंथेसाइज किए जाते हैं, लैब के अंदर भी किए जा सकती हैं, या फिर मोस्टली हम इनको बैक्टीरिया से, या फिर एक्टिनोमाइसिट्स, या फंजाए, इनसे हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनसे सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है इनको, बट मोस्टली जो है हम कहते हैं कि इसका जो सोर्स है या मेजर जो इसका ओरिजिन है वो क्या है, वो लिविंग सोर्स ही है, लिविंग सेल्स। इनके थ्रू जो है वो हम एंटीबायोटिक्स को गेट करते हैं। अब डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन के लिए या डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर हम ह्यूमन बींग्स के एग्जांपल को रख के देखें तो ज़्यादा इजी होगा उसको समझना। अगर आप देखें कि आपके कान में इन्फेक्शन है, गले में दर्द है, कोई ज़ख्म हो गया, या जिस्म के अंदरूनी कोई ज़ख्म है, तो उन सब के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ होती हैं। एक ही दवाई से आपको आराम नहीं आता, और ये चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? या मोड ऑफ एक्शन को जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने कहा था कि कौन सा मेथड किस तरह से एक्ट करे। इसी तरह जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करें, तो एंटीबायोटिक्स में जितनी भी दवाइयाँ हमारे पास आ जाती हैं, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस आ जाते हैं, वो किस तरह से एक्ट करे हैं, किस किस्म के जो बैक्टीरिया है उस किस किस्म की स्पीशी के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें इन पर डिपेंड करती हैं। यही वजह है कि एक तो हम डिफरेंट तरह के एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं, और दूसरा उनकी डिफरेंट क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं डिफरेंट तरह की बीमारियों के लिए। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने मेजर टॉपिक के ऊपर, जो कि था यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अच्छा, नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर हमें कोई छोटी मोटी बीमारी हो गई है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया, गला ख़राब हो गया, खांसी हो गया, तो हम क्या कहते हैं कि हम समझते हैं कि ये एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, या हमारे जिस्म में कोई हल्का फुल्का सा इन्फेक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं कि समटाइम्स तो ख़ुद ही घर में मौजूद जो दवाइयाँ होती हैं उन्हीं को हम लेना शुरू हो जाते हैं, और इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस उनसे आराम भी आ जाता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर देखें, पाकिस्तान में मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स घरों में भी अक्सर हर घर में तकरीबन पाई जाती हैं, मॉक्सिल के नाम से, मॉक्सिलिन के नाम से पाई जाएगी, इसके अलावा ऑगमेंटन होगी, छोटे बच्चों जहाँ जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ तो ये मोस्टली होती हैं ज़रूर, या सेप्ट्रॉन वगैरह हैं, थोड़ा सा सवेयर इन्फेक्शन हो जाता है तो सेप्ट्रॉन वगैरह ली जाती हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियाँ, ये कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि आम तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ली जाती हैं, लेकिन इनका फ़ायदा भी होता है, ठीक है, इफ़ेक्टिव भी होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम जो है, हमारे पास दो मेजर प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं,
और वो दो प्रॉब्लम्स क्या हैं? पहला प्रॉब्लम जो हमारे पास आता है वो ड्रग रेजिस्टेंस का आता है। ड्रग रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? ड्रग रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ लें कि अगर आप 250 mg की कोई भी गोली है, कोई मेडिसिन है, लेट्स सपोज आप टैबलेट ले रहे हैं, 250 mg की कोई आप टैबलेट ले रहे हैं और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है आप यही वाली टैबलेट लेंगे, तो क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो बीमारी कॉज कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ अरसे के लिए तो आपको आराम आएगा, बट उसके बाद उसी उसी डोज से, उसी मेडिसिन से आपको आराम नहीं आएगा। आपको या तो डोज बढ़ानी पड़ेगी या फिर आपको मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ क्या है? ये ड्रग रेजिस्टेंस है। ड्रग रेजिस्टेंस क्या होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट केमिकल या अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक इंक्रीज हो जाती है, और यही वजह है कि फिर आपको ज़्यादा डोज वाली जो मेडिसिन है वो लेनी होगी या फिर आपको मेडिसिन चेंज करते रहना होगा। और उससे फिर क्या होगा, मेडिसिन तो आप चेंज कर लें, डोज भी ज़्यादा ले लें, इससे क्या है, आपको एटलीस्ट आराम तो आ रहा है। इससे एक और नुकसान होगा जो बेसिकली हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी है, जो कि है साइड इफ़ेक्ट्स। आमतौर पर जब हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन में फ़ायदा तो है, इससे आराम तो आ जाता है, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उस बीमारी का तो इलाज हो जाता है लेकिन कुछ और बीमारी हो सकती है या कोई और हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है वो अफेक्ट हो सकता है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स है इनका इंटरेक्शन डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ होता है। ठीक है, और इससे डिफरेंट हमें बीमारियां भी कॉज हो सकती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखें तो नॉर्मली हमारे पास पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस आ जाते हैं, और ये मिस यूज़ में नहीं आते, नॉर्मल यूज़ में भी एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसके नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर ये होता है कि ऑडिटरी नर्व जो है, हमारी ऑडिटरी नर्व क्या करती है कि हमारे जो कानों में से आवाज़ है इसके मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है और फिर वापस लेके आती है उसको। तो ऑडिटरी नर्व को अफेक्ट करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसका जो वर्स्ट केस है वो डेफनेस भी हो सकता है, यानी कि इंसान बहरा भी हो सकता है। इसके अलावा हमने टेट्रासाइक्लिन की एग्जांपल को देखा था लास्ट लेक्चर में भी। टेट्रासाइक्लिन जो है ये छोटे बच्चों के अंदर, मोस्टली बड़ों के अंदर भी हो जाता है, बट मोस्टली ये होता है कि छोटे बच्चों के जो दांत हैं उन पे जाके अफेक्ट करता है और उनके अंदर जो परमानेंट डिसकलरेशन हो सकते हैं। परमानेंट डिस्कलरेशन का क्या मतलब है कि दांतों का जो रंग है वो कम्प्लीटली ख़राब हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। दांत जो है या तो पीले हो जाएंगे या काले हो जाएंगे, वो फिर वैसे ही रहते हैं, वो फिर चेंज नहीं होता उनका कलर। तो ये हमने देख लिया साइड इफ़ेक्ट। दो मेजर प्रॉब्लम की हमने बात की है, एक ड्रग रेजिस्टेंस और दूसरा साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अब इसका यह भी मतलब नहीं है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ दें। मोस्टली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि वो किसी अच्छे से फिजिशियन के पास जाए और जो भी उसको बीमारी के लिए जो भी मेडिसिन मिले, जो भी एंटीबायोटिक्स मिले, वो उसको रेगुलरली ले। अच्छा, रेगुलरली लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है। आमतौर पर अगर हम डॉक्टर्स के पास जाएं तो क्या होता है कि हमें जो दवाई मिलती है वो किस तरह से होती है, या तो वो 3 डेज़ की या 5 डेज़ की कोई ना कोई मेडिसिन हमें मिलती है, और फिर उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप ये लें और फिर वापस आके हमें दोबारा से चेक करवाएं। वो जो 3 डेज़ की आपको दवाई दी जाती है या 5 डेज़ के लिए जो आपको कोई भी दवा दी जाती है, उसके साथ आपको ये भी बताया जाता है कि कितने इंटरवल्स में आपने लेनी है। ठीक है, आपने इसे सुबह शाम लेना है या फिर आपने सुबह दोपहर शाम लेना है, और उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, 250 mg की है या फिर 500 mg की है। mg जो है वो इसकी क्वांटिटी होती है, कम की भी होती है। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स के लिए ये क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती हैं। अगर इन्फेक्शन कम है तो आमतौर पर 24 घंटों में 500 mg भी काफ़ी होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको 1200 से 1500 mg तक आपको 24 आवर्स के अंदर मेडिसिन लेनी पड़ती है, यानी कि सुबह दोपहर शाम आपको 500 mg की कोई ना कोई बीमारी के लिए मेडिसिन लेनी होगी।
सिवियर इन्फेक्शंस के केसेस में। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि हम जानते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ को जब हमने देखा था या रिप्रोडक्शन को देखा था, तो हमने देखा था कि उसका जो जनरेशन टाइम है बैक्टीरिया का वो बहुत कम होता है। एक एवरेज में या हम नॉर्मली देखते हैं कि मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हमने देखा था कि 20 मिनट्स का जनरेशन टाइम था। 20 मिनट्स बाद बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है। तो अब इस पॉपुलेशन को रोकने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं उसको भी हम उसी तरह से लेना चाहिए, यानी उसी जितने इंटरवल्स में हमें गिवन, तो उस चीज़ से बचने के लिए मेडिसिन की जो हमें डोज दी जाती है उसको भी हमें उतने ही इंटरवल्स में लेना चाहिए। आमतौर पे देखा जाता है कि अगर आप 3 डेज की मेडिसिन लेके आए हैं तो 2 दिनों में आपको आराम आ जाता है, अगर 5 डेज की मेडिसिन लेके आए हैं नॉर्मल लोगों में 4 दिन में या 3 दिन में भी आराम आ जाता है। और फिर वो करते क्या है लोग, वो ये करते हैं कि वो मेडिसिन लेना छोड़ देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है, नुकसान ये होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं। वो उस वक्त तो फिर क्योंकि वो वीक हो चुके होते हैं, ऑलरेडी मेडिसिन जो है वो अपना काम कर रही होती है एंटीबायोटिक्स, उस वक्त तो वीक हो जाते हैं, बंदे को आराम भी आ जाता है, लेकिन थोड़े अरसे बाद वही बीमारी दोबारा से कॉज हो जाती है। और उस वक्त नुकसान ये हो क्या हो रहा होता है कि उस वक्त जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच गए होते हैं वो रेजिस्टेंट बन चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस एंटीबायोटिक को एक्सपीरियंस किया होता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप अपना जो एक कोर्स है, अपनी जो डोज है वो उसको कंप्लीट करें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आज हमने क्या देखा, थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं। आज हमने कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स के अंदर एंटीबायोटिक्स को देखा, और फिर हमने उसके यूज़ और मिसयूज़ को देखा, और हमने देखा कि उस एंटीबायोटिक्स जो है वो क्या प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। एक तो हमने ड्रग रेजिस्टेंस को देखा और दूसरा हमने साइड इफ़ेक्ट्स को देख लिया कि एंटीबायोटिक्स से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।